चलिए, बड़ा अच्छा आज का हमारा विषय है और आज हम बात करेंगे घड़ी की सुइयों को लेकर। माइक म्यूट कर दीजिए सभी अपने, क्योंकि टॉपिक जो है बहुत ही यूनिक है। घड़ी की सुइयों पे बात करनी है और बहुत ही अद्भुत सी बात है जो हमने आज घड़ी की सुइयों पे करनी। ज्योति आप भी माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। घड़ी की सुइयां क्या कहते हैं? समझिए इस चीज को। पूरे समय पे किया गया सवाल, पूरे समय पे किया गया सवाल। वैसे तो घड़ी की सुइयों का कंसेप्ट मेरे पास बिल्कुल ही डिफरेंट है और बहुत बड़ा है। अगर हम पूरी घड़ी की सुइयों पे फोकस कर ले तो मुझे कम से कम 5 लेक्चर चाहिए आपको वो सिखाने के लिए। लेकिन जितना जितना कंसेप्ट मुझे घटना समय पद्धति के लिए जोड़ना है उतना मैं आपको आज की क्लास में देने वाला हूं। पूरे समय पर सवाल पूछा गया। माइक म्यूट कीजिए ज्योति जी प्लीज। ज्योति जी माइक म्यूट कीजिए। पूरे समय पर पूछा गया सवाल, मान लीजिए किसी ने आपसे सवाल पूछा है 2 बजे, ज्योति जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। ज्योति जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। तो पूरे 2 बजे पूछा गया सवाल, पूरे 3 बजे पूछा गया सवाल, पूरे 4 बजे पूछा गया सवाल या पूरे 5 बजे पूछा गया सवाल, इस बात का इंडिकेशन देता है कि आपका कोई रुका हुआ काम जो है। ज्योति जी माइक म्यूट कीजिए प्लीज। आपका कोई रुका हुआ काम जो है वो कंप्लीट होने वाला है। गूगल मीट में अथॉरिटी नहीं होती माइक्स म्यूट करने की ना। ज्योति जी हाँ जी, तो पूरे 5 बजे पूछा गया, पूरे 4 बजे पूछा गया, पूरे 3 बजे पूछा गया, सवाल जो है वो पुराने काम की कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। वो पुराने काम की कंप्लीशन को इंडिकेट करता है और हाँ जी, और नए काम की अगर बात की जाए तो नए काम की अच्छी शुरुआत को इंडिकेट करता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सवालों के ऊपर बेस लेके चलता हूं मैं। जब 2 बजते हैं या जब 3 बजते हैं या जब 4 बजते हैं, पूरे 4 बजे, पूरे 3 बजे, पूरे 2 बजे, तो आप देखिएगा कि पिछले 1 घंटे का रोटेशन पूरा होता है। अगर आपसे 2 बजे सवाल पूछा गया है तो 1 घंटे का रोटेशन पूरा हुआ है, यानी कि 1 से 2 का रोटेशन पूरा हुआ है, जबकि 2 से 3 का रोटेशन शुरू हुआ है। अब मान लीजिए सवाल आपके पास आता है कि जी मेरा कोई काम अटका हुआ है, तो जब पुराने काम की बात हो रही है तो आपको नोट करना है कि 1 से 2 का रोटेशन कंप्लीट हुआ है, तो इसका मतलब आपका वो काम पूरा होने वाला है।
और नए काम की बात आती है तो 2-3 का रोटेशन शुरू हुआ है, बहुत लंबा चलने वाला है। अब यही पे सवाल वीजा को लेकर आ जाए, सपोज करें ये सवाल वीजा को लेकर आ जाए तब क्या होगा। सवाल पूछा गया एग्जैक्ट 3 बजे आपसे, वीजा मिल जाएगा। दो कंडीशन होंगी यहां पर। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन यह है कि अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपको वीजा मिल जाएगा, और अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको समय लगेगा। पुराना काम है तो 100% होना है, और नया काम है तो लंबा चलना है। अगर आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है तो वो मिल जाएगा, और अगर करना है तो उसमें समय लगेगा क्योंकि वो पूरा रोटेशन पड़ा अभी आपको। दो चीजें आप यहां पर इस तरह से कंसीडर करके चलेंगे। और दूसरी बात क्या है, अब 1 बजे कर लीजिए, 2 बजे कर लीजिए, 3 बजे कर लीजिए, 4 बजे कर लीजिए, सब केसेस में अगर एग्जैक्ट टाइम पे आपको सवाल पूछा गया ना तो आपके काम का आंसर 2 तरीके से हो सकता है, पुराना काम कंप्लीशन की तरफ है और नया काम स्टार्टिंग की तरफ। तो ये आप इस फिलॉसफी को घड़ी के सुइयों से पहले स्टेप पे लेके चलेंगे। दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है? दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि 10:10 पे पूछा गया सवाल, 10:10 पे पूछा गया सवाल, क्या कहता है? इट इंडिकेट्स द विक्ट्री साइन। कोई सवाल जो है वो आपसे 10:10 पे पूछा गया है तो वो ऐसे विक्ट्री वाला साइन ऐसे बनाएगा, 10 से 10, ये विक्ट्री साइन है। ऐसे कर लीजिए 10:10, टिक जिसे कहते हैं ना, ऐसे टिक, वो विक्ट्री साइन को इंडिकेट करता है। दस बज के 10 मिनट पे पूछा गया सवाल आपकी विक्ट्री को इंडिकेट करता है, तो आप बिना सोचे समझे 10:10 पर अगर किसी ने सवाल आपसे पूछा है आप उसको यस करेंगे। उसके बाद मान लीजिए किसी ने आपसे सवाल पूछा 9:15, पे, और सवाल पूछा प्रमोशन को लेकर, मेरी प्रमोशन ड्यू है, कब तक हो जाएगी? अब यहां पर आपको पहली इंडिकेशन आ जानी चाहिए कि इस प्रमोशन में अभी समय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 1 घंटे का रोटेशन होता है 9 से 10 बजे के बीच में, और 9:15 का मतलब है कि आपका 1/4 रोटेशन पूरा हुआ है। अभी 1/4 रोटेशन पूरा हुआ है, यानी कि 1/4 हुआ है, अभी बाकी 3 हिस्से पेंडिंग है। इसका मतलब उस काम में अभी समय लगने वाला है। मतलब यह हुआ कि उस काम में अभी समय लगने वाला है, और वह समय कितना लगेगा उसकी कैलकुलेशंस में अभी आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप यह समझिए कि समय लगने वाला है क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है सिस्टम, यानी कि उसका 1/4 हुआ है,
और बाकी जो होना है वो बैलेंस है अभी। सवाल पूछा गया कि मैं कोई नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, क्या मुझे कर लेना चाहिए? तो आपके हिसाब से 9:15 बजे पूछे गए सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवाल है तो कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली, कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक घंटे के रोटेशन में से अभी 15 मिनट गुजरे हैं, 45 मिनट बाकी हैं, यानी कि वो काम लंबा चलने वाला है, वो काम लंबा चलने वाला। और अगर यही 9:15 बजे किसी का सवाल आपके पास ये आ जाता है कि जी मेरे पे कोर्ट केस हो गया, क्या होगा? अगेन लंबा चलेगा, क्योंकि वो जो ड्यूरेशन है वो अभी लंबा है, वो ड्यूरेशन जो है वो लंबा है। एक और चीज, अगर हम 1:15 की जगह इसको आधे पे ले आए, सवाल आपसे 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 2:30, 3:30, 4:30 पूछा गया, तब 50-50 आधा समय गुजर चुका है और आधा समय आपका अभी पेंडिंग चल रहा है। अब यहां पर दो स्थितियां बनती, पहली स्थिति यह बनती है, फर्स्ट कंडीशन यह बनती है कि व्यक्ति जो है अगर समय की बात करता है तो जितना समय अब तक लगा है उतना समय अभी और लगेगा, पहली कंडीशन। लाइक सवाल पूछा गया, जी मैंने वीजा की फाइल लगाई हुई है, मेरा वीजा कब तक आ जाएगा? तो भाई जितना समय तुम्हें लग गया ना उतना समय अभी और लगना है। सवाल कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या मेरा वीजा लगेगा या नहीं लगेगा, तब क्या कंडीशन होगी? 50-50 चांसेस है, लग भी सकता और नहीं भी लग सकता। अगर आप लोगों ने न्यूमेरोलॉजी सीखी है तो मैं इसकी एक्यूरेट आंसर्स भी निकालना सिखा दूंगा आपको, अगर आपको नंबरों का थोड़ा बहुत भी जानकारी है तो। कल की क्लास में मैं हल्का सा इसको न्यूमेरिक टच दूंगा ताकि आप एक्चुअल कैलकुलेशन निकाल सको और उसको आंसर दे सको कि यस निकलेगा या नहीं निकलेगा। हल्का सा जस्ट मुझे 5 से 7 मिनट की न्यूमेरोलॉजी सिखानी है आपको, उसके बाद आप नंबरों के आंसर्स भी निकाल लोगे, ठीक है? उसके बाद सपोज करिए 1:45 में सवाल पूछा जाता है, 1:45 का सवाल क्या है? अब वैसे भी कहा गया है पौन नहीं पाना चाहिए, पंजाबियों में तो वैसे क्या है, 1:45 तक रोना निकलो है, पौन नहीं पाना चाहिए, पौन क्यों नहीं पाना चाहिए? काम जो है वो अटक जाता है, एग्जैक्टली होते होते काम अटक जाता है। क्यों अटकता है? व्हाई? होते होते काम क्यों अटकता है? अगर आप घड़ी की सुइयों से कैलकुलेट कर रहे हैं उस, देन आपका 75% टाइम जो है वो स्पेंड हो चुका है। 4 15-15 मिनट के 4 स्लॉट बनाइए, राइट? तो 25 दिया 75 हो गए, 3 स्लॉट निकल चुके हैं, चौथा आपका बच गया। अगर तो पुराने काम को लेकर सवाल पूछा गया है किसी भी तरह का, मैंने वीजा की फाइल लगाई हुई है जी, क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा, क्योंकि काम कंप्लीशन की तरफ है, राइट? और नई वीजा फाइल लगाने जा रहा हूं, मेरे को वीजा की फाइल लगानी है तो क्या लगानी चाहिए? नहीं लगानी चाहिए, रिजेक्शन आ जाएगी। पौने के काम में कभी भी
पौने के काम के अंदर कभी भी नए काम को इम्प्लीमेंट आपको नहीं करना है अगर आपसे पौने पे सवाल पूछा गया है, जबकि पुराने काम के लिए आप यस कर सकते हैं, 100% होगा आपका काम, क्योंकि पौना होता ही पुराने काम की कंप्लीशन ही तो दिखा रहा है आपको। सवाल कुछ इस तरह का, मेरे लिए एक शादी का प्रपोजल आया है, शादी कैसी रहेगी, क्या मुझे यस कर देनी चाहिए? सही है, शादी कैसी रहेगी? शादी कैसी रहेगी, मुझे लगता नहीं है कि शादी के लिए यस करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सवाल कोने पे पूछा गया। और अगर यही सवाल डाइवोर्स के लिए होता तो हो जाएगा, जितनी जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी पानी तो निकल चुकी, जो थोड़ा सा रह गया वो निकल गया। अभी इसके अंदर ही जैसे ही पानी के ऊपर बात हुई तो इसको मैं ऐसे भी बोलना चाहूंगी कि जब मेट्रो दिल्ली वाली का उद्घाटन किया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो उस टाइम हमको ये घड़ी के अंदर देखा था कि 9:45 का टाइम था, 45 पक्का था, वो याद नहीं है 9 था 10 था या whatever, या 8:45 था। तो मैंने मेरे हस्बैंड उस टाइम देख रहे थे, तो हम ये बोलते क्या पौने के ऊपर कौन कर रहा है उद्घाटन। अगर ये आज इसको हम ऐसे जस्टिफाई हुआ कि वो पहले से काम हो रहा था, उसको किया तो वो नेटवर्क पूरा हुआ दिल्ली के अंदर मेट्रो का, फिर रुका नहीं क्योंकि वो पहले से काम जो था वो चल रहा था, है ना, नहीं हुआ अभी। वो काम चल रहा था, वो काम कंप्लीशन की तरफ हो रहा था तो पौने पे, लेकिन नया उद्घाटन इन्हें पौने पे नहीं करना चाहिए। ओके, मतलब आज रेलेवेंस जो है वो आज पता चलिए कि क्यों हो गया काम सक्सेसफुल। हाँ, अगर वो पुराना काम चल रहा था तो वो कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन नया उद्घाटन होता, नई चीज होती तो वो नहीं होती। थैंक यू, आंसर मिला मुझे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर आप लोग कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको न्यूमेरोलॉजी का बिल्कुल भी एबीसी नहीं आता, कुछ ऐसा कोई है जिसको न्यूमेरोलॉजी का सिर्फ ये भी नहीं पता कि कौन सा नंबर किसको रिलेट करता है? एनी वन ऑफ यू जो ये कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि एक नंबर सूर्य का है, दो नंबर चंद्रमा का है, तीन नंबर बृहस्पति का है, चार नंबर राहु का है, पांच नंबर बुध का है, कोई ऐसा? बेफिक्र होके बताइए ताकि मैं आपको इसको नंबरों के साथ रिलेट कर सकूं। घटना समय पद्धति न्यूमेरोलॉजी में भी बहुत ज्यादा काम करती है। सबको क्लियर है? ओके, अब यहां पर हमें समस्या का समाधान भी ढूंढना है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी नंबरों के साथ जुड़े हुए ग्रहों की है तो हम उसको सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, घटना समय पत्ती या घड़ी की सुइयों से सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। सवाल पूछा गया एग्जैक्ट 3 बजे, आपने कहा कि जी मेरा काम नहीं हो रहा है, मैंने कहा उनको कि आपका काम हो जाना चाहिए, और आपने कहा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, तो अब समस्या कहां अड़ी हुई है? मैं सारे नंबरों का करवाऊंगा, मैं एक एग्जांपल छोटा सा सेट कर रहा हूं आपके साथ। तो सवाल उसने आपसे 3 बजे पूछा है, इसका मतलब सिर्फ गुरु। हाँ, अब मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से नहीं जोड़ रहा, मैं इसको आपके व्यवहार से जोड़ रहा हूं, क्योंकि ज्योतिष हो, अंक ज्योतिष हो, घटना समय पद्धति हो, इंसान के व्यवहार के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, नेचर के साथ कनेक्ट होती है।
अब अगर 3 बजे सवाल पूछा गया और आप कह रहे हैं कि आपका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और वो आगे से आपको ये कह रहा है कि जी मेरा काम नहीं हो रहा है, होती हैं ऐसी स्थितियां हमारे साथ, सबके साथ होती है। ये रिसर्च का विषय है, हम कोई भगवान तो है नहीं, तो दिक्कत कहां आ रही? सोचने वाला इश्यू ये है, आपके बड़े बुजुर्गों के साथ अगर आपके ऑफिस में काम अटका हुआ है तो आपके जो भी सीनियर हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन हैं, उनके साथ आपको कहीं तालमेल बिठाने में दिक्कत आ रही है, जाइए उस तालमेल को ठीक करिए, आपका काम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये सभी नंबरों के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कहां कहां दिक्कत आ सकती है। एक बजे का अगर आपको कोई सोल्यूशन देना है, मान लीजिए सवाल 1 बजे पूछा, तो 1 बजे का कोई सोल्यूशन आपको देना है, देन पिता के साथ संबंध अच्छे करिए, सोल्यूशन दीजिए। या समस्या पिता के साथ भी हो सकती है, पिता के साथ आपको तालमेल बिठाने में दिक्कत हो सकती है, तभी ये काम नहीं हो रहा। या अगर कोई ऑफिशियल काम अटक गया है तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटस इश्यूज हैं, वहां एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ अटका हुआ है, अफसर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, या आपके ऑफिस में कहीं अटका हुआ है, तो आपके साथ कोई स्टेटस इश्यूज हो सकते हैं। या कोई ऐसा काम अटका हुआ है जहां आपको लगता है कि ये काम हो सकता है पर मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उस केस में आप अपने पिता को, किसी हायर अथॉरिटीज को बीच में इन्वॉल्व करके उस काम को करवा सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर तो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और 2 बजे, 2 बजे की रेमेडी एंड सॉल्यूशंस क्या है? समस्या कहां होगी, रेमेडी क्या है? समस्या होगी इमोशनल प्रॉब्लम्स, सवाल कुछ भी हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स, कैश फ्लो की दिक्कत, सेंसिटिविटी, ये सारी समस्याएं हैं। सॉल्यूशन इन्हें दूर कर लीजिए, या अगर आपको किसी को बीच में इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है तो इन्वॉल्व कीजिए अपनी मां को, मां समान लेडी को, या कोई ऐसी ऐसा व्यक्ति जो इमोशनली अगले बंदे को ब्लैकमेल कर सकता हो। जो इमोशनली अगले व्यक्ति को ब्लैकमेल कर सकता हो। सवाल 3 बजे पूछा गया है, देवगुरु बृहस्पति का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 4 बजे पूछा गया है, तो अब राहु की समस्या आ गई, कहां दिक्कत है? कंफ्यूजन है, मिसकम्युनिकेशन है, ओवर एक्सपेक्टेशंस हैं। 4 बजे अगर कोई दिक्कत आ रही, 4 बजे सवाल पूछा गया है और अगर दिक्कत आ रही है तो ये सारी समस्याएं हैं, जाइए इन्हें दूर कीजिए, मसले सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद, क्योंकि वी ऑल आर द साइकोलॉजिस्ट, हम लोग साइकोलॉजिस्ट हैं जितने यहां पर बैठे हुए, हम लोगों की समस्याएं नहीं पढ़ते हैं, उनके दिमाग को पढ़ते हैं, हमें उसकी समस्या पता है, हमें पर इन्वॉल्व करना है उसका। जरूरी नहीं होता कि रेमेडी करने से सोल्यूशन निकले, कई बार इंसान के दिमाग में वो चीज घुसाकर भी उस समस्या का सोल्यूशन किया जा सकता है। 4 बजे अगर आपको किसी इंसान को इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, तो किसी बिजनेस प्रोफेशनल को आप इन्वॉल्व कर लीजिएगा। या एक ऐसा आदमी
जो एक अच्छा रणनीतिकार हो, आप उसे इन्वॉल्व कीजिएगा, वो आपका काम करा देगा। या कोई ऐसा आदमी जो पैसा ले देकर आपका काम कर सकता हो, तो आप उसे इन्वॉल्व कीजिए, आपका काम करा देगा वो। क्लियर। आइए बात करते हैं 5 बजे। 5 बजे सवाल पूछा गया और जवाब आया कि नहीं मेरा काम नहीं हो रहा है, देन कैसे होगा? इसका मतलब बुक की जो प्रभाव है वो नहीं हो पा रहा। हाँ, 5 नंबर बुक का है तो वाणी का प्रभाव नहीं डाल पा रहे, हम जो भी काम करना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन एरर है, कम्युनिकेशन एरर है, वाणी का प्रभाव हम लोग नहीं डाल पा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई बचकानी हरकत हमसे हो गई है, हमने अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में कोई नुकसान करवा दिया है, कुछ भी हो सकता है, जाइए ठीक कीजिए। कम्युनिकेशन एरर है उसको ठीक कीजिए, कोई गलती है आपने की है, बचकानी हरकत की है तो माफी मांगिए जाके, या अपनी बात को नहीं आप इंटरप्रिएट कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से और आप किसी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो इन्वॉल्व कीजिए किसको, बहन को, साली को, इनकी मदद लीजिए। कई बार कुछ फैमिली में इश्यूज होते हैं वो नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं और 5 बजे का सवाल है, तो बहन और साली इस मामले में सॉल्व कर सकती हैं आपके काम, बुआ आपकी कर सकती है, बेटी कर सकती है। हाँ जी, बहन को ननद को डाल ले बीच में। उसके अलावा सवाल अगर आपसे 6 बजे पूछा गया है, 6 बजे का सवाल क्या कहता है, कहाँ दिक्कत आ रही है? मटेरियल में दिक्कत आ रही है, शुक्र से संबंधित रहेगा उसमें। हाँ, मटेरियल में दिक्कत आ रही है, रिश्तों में दिक्कत आ रही है, कुछ रिश्तों को गलत तरीके से ट्रीट किया गया लगता है वो दिक्कत आ रही है, या कहीं कोई लेन देन की बात अटकी हुई है वहां दिक्कत आ रही है। अब आपका जैसा सवाल है आप उस तरह से उसे डील कर सकते हैं सॉल्यूशन के तौर पे, राइट? समझ रहे हैं ना मैं क्या पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं? हम घड़ी के सुइयों से, अगर हमें कोई भी परिस्थिति हमारे आसपास बनती नजर नहीं आ रही, कोई भी परिस्थिति जो हमारे पास बननी चाहिए थी और वो हमें नहीं नजर आ रही है, जैसे अभी हमने पूरे पूरे जैसे 6 बजे 5 बजे फुल नंबर लिया, अभी जैसे कई 5:00 भी हो सकते हैं तो उसको भी हमें देखना होगा या उसको आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तरीका, दो तरीके से देख सकते, अगर तो आप न्यूमेरोलॉजी जानते हैं, अगर तो आप न्यूमेरोलॉजी जानते हैं फिर तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर आप न्यूमेरोलॉजी जानते हैं फिर तो आपके लिए बहुत आसान है। मान लीजिए 5:16 पे आपका सवाल लिया गया है, ठीक है, 5:16 पे आपका सवाल लिया गया है, तो आप इसको मूलांक और भाग्यांक में कंसीडर कर लीजिए, यानी कि मूलांक 5, भाग्यांक 7 आ गया, राइट? वहां से आप आंसर रिप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, 50% जहां पर 5 बजे सवाल पूछा गया, 5 से 5:30 के बीच में अगर सवाल पूछा गया है तो आपको 5 कंसीडर करना है, और जैसे ही वो 5:30 से ऊपर चला गया तो आपको 6 कंसीडर करना है। अगर 50% क्रॉस कर जाता है तो आपको नंबर 6 की प्रॉब्लम है, वहां वो रेमेडी करने। इज इट क्लियर? एनी डाउट? तो 16 से 7 बनता है ना, 5 को तो आप मूलांक ले लीजिए,
16 को भाग्यांक ले लीजिए, 16 से 7 बन जाएगा, वो 5 एंड 7 का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। समस्या क्या है 5-7 वालों के लिए? आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हाँ पांच और 16 को पूरा टोटल नहीं करना है। नो एग्जैक्टली, समस्या कहाँ आ रही है फिर? मान लीजिए आपका मूलांक 5 है, भाग्यांक 7 आ रहा है, 5:16 पे आपने सवाल पूछा है। तो समस्या ये है कि आप जो चाहते थे आपके अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो पाया, आप अनसेटिस्फाइड हैं, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो न्यूमेरोलॉजी से आंसर दिया जा सकता है बहुत इजीली, जिनको न्यूमेरोलॉजी आती है। और जिनको नहीं आती है उनके लिए मैंने दूसरा फार्मूला आपको बता दिया, 5:30 तक आप 5 नंबर की रेमेडी कराएंगे और 5:30 के बाद वो 6 नंबर की रेमेडी हो जाएगी। ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, दोनों ही तरीकों के रिजल्ट सेम है। यस, वो 6 नंबर की रेमेडी में कंसीडर करेंगे आप। रिश्तों को सुधार लीजिए, मसले सॉल्व हो जाएंगे। 6 नंबर की रेमेडी ले लीजिए और 5:08 अगर आप 5:35 लेते हो ना, 5:35 लेते हो तो भी 5:08 का कॉम्बिनेशन है, और 5:08 का कॉम्बिनेशन खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि आपने काम के चक्कर में परिवार को रिश्तों को ध्यान नहीं दिया, या लोगों की जो उम्मीदें थी आपसे वो आप नहीं पूरी कर पाए हैं, तो आप वहां पर उसको बैलेंस कीजिए। दोनों चीजों में सेम आता है, किसी भी एंगल से ले लीजिएगा रिजल्ट सेम ही आएंगे आपके पास। समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? अगर 7 बजे कोई चीज पूछी गई है आपसे और आपको उसका कारण बताना है, तो 7 बजे का कारण सिंपल सा है कि आपने वो काम दिल से किया है, दिमाग से नहीं किया। आपको उस काम की गहराई में जाने की जरूरत है, आपको उस पे विचार करने की जरूरत है, उस पे रिसर्च करने की जरूरत है। आप खुद ही अनसेटिस्फाइड हैं अपने आप से, अपने काम से, या आप जिसके बारे में सवाल पूछ रहे हैं खुद ही अनसेटिस्फाइड है। जाइए इसे ठीक कीजिए, मसले सॉल्व, या 7 के केस में एक रेमेडी यह भी हो सकती है कि अपने आप को परमात्मा के चरणों में सरेंडर कर दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। कर दीजिए, देखिए जल्द 100% रिजल्ट मिलेंगे आपको। ऐसा कर सकते हैं। 8 बजे कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में दिक्कत आई है, या अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो आपने अनुशासन में रहकर मेहनत नहीं की, आपने एक सिस्टमेटिक वे में मेहनत नहीं की, दोनों रीजन हो सकते हैं। ठीक कर लीजिए, व्यवहार कहीं गलत हुआ है उसे ठीक कर लीजिए, अगर मेहनत नहीं की है, अनुशासन में नहीं की है, तो दोबारा मेहनत कीजिए, अनुशासन में आके कीजिए, डेफिनेटली आपके काम सॉल्व हो जाएंगे। ये देखना है आपको, जब आप वो रेमेडी देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे जरूर कि वो कंप्लीशन की तरफ आ रही है या न्यू बिगिनिंग की तरफ आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है अगले बंदे को। राइट, और 9 बजे आपकी डिजायर्स बहुत ज्यादा हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं, जो दूसरों की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती हैं। आप चाहते हैं उस काम को करना, लेकिन शायद दूसरे आपको वो समय ना दे पाए आपके काम को पूरा करने के लिए, आपके व्यवहार में भी प्रॉब्लम हो सकती है। जाइए ठीक कीजिए, आप में खुद में वो काबिलियत है कि आप अपने काम को खुद कर सकते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट मत होइए, आप काम कर सकते हैं। हाँ, लीडर होते हैं ना। नहीं, मंगल है खुद काम करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो काम दूसरों के हाथ में है और आप नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, तो वो अटकेगा ही अटकेगा।
जिस दिन आप खुद उसको आगे बढ़ के काम करेंगे वो काम हो जाएगा। समझे हैं पॉइंट को? इसका मतलब ये है कि क्योंकि 9 नंबर वाले लोग परफेक्शनिस्ट हो गए हैं और जो भी उनका काम है वो कोई और नहीं उस हिसाब से कर सकता जो जैसा वो खुद कर सकता। दिक्कत ही यही है, दिक्कत ही यही है। अब सवाल तो किसी भी तरह का हो सकता है, सवाल जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। आपको ये देखना है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब एक चीज और आती है, मान लीजिए सवाल पूछा गया दोपहर के 3:45 पे या 5:45 पे। मेरे पास इस समय 5:45 हुए। अब आप घड़ी की सुइयों को कैसे कंसिडर करें, 5:45 या 17:45? मुझे जो नंबर दिखाई दे रहा है वो 17:45 है, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 17:45 है। और अगर इसको मेरे को मूलांक और भाग्यांक में टोटल करना है ना, तो मैं 8 और 9 का कॉम्बिनेशन लू, जबकि नॉर्मल वॉल क्लॉक के अंदर अगर आप दिखेंगे तो वो 5:45 दिखेगा, तो आप उसे 5:9 कंसीडर करेंगे। आपको जो नंबर दिखाई देगा आपको वो कंसीडर करना है, ना कि 5:45 कंसीडर करना। मोबाइल पे देख रहे हैं 17:45 है तो आप 17:45 कंसीडर कीजिए। घड़ी में देख रहे हैं, दीवार घड़ी में, हाँ 8 और 9 का जवाब होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किसी काम के लिए, आसानी से नहीं होगा, लेकिन आप 100% इसको कर जाएंगे, क्योंकि 9 तो कंप्लीशन होता है ना, और वो भी ट्रूथफुलनेस के साथ, वो भी बड़ी ईमानदारी के साथ। मुझे ये बताइए आज की क्लास, जैसे हम लोग सुबह शाम का भी विचार कर सकते हैं, हाँ? अगर हम घंटे के हिसाब से करते हैं जी, तो मॉर्निंग में पूछा होगा जैसे वही कि सुबह 12 बजे तक तो हम लोग मानते हैं 6, 7, 8, 9, 12 बजे के बाद 13, 14, 15, तो हमारे को दो चीजें दोनों तरीके से देखिए। घटना समय पत्ती आपके अपने दिमाग से काम करती है। अगर तो आप डायरेक्ट नंबरों के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है आप वो ले लीजिए। अगर आपको 13 दिखाई दिया आप 13 कंसीडर कर लीजिए, 1 दिखाई दिया तो 1 कंसीडर कर लीजिए 12 बजे के बाद। लेकिन अगर आप इसको घड़ी की सुइयों से ना कनेक्ट करें, दिन पे ही कनेक्ट कर लें, तो दिन को भी आप 4 हिस्सों में बांट लीजिए। जैसे घड़ी की सुइयों को आपने 1 घंटे को 4 हिस्सों में बांटा है, 12 बजे से पहले पूछा गया सवाल, नया सवाल नए काम के लिए, अभी तो पूरा दिन पड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जैसे आप घड़ी की सुइयों को कंसीडर कर रहे थे वैसे दिन को कंसीडर कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परिस्थिति कैसी है डिसीजन आपने देखना है, दिमाग आपने लगाना है वहां पे, परिस्थितियां समझनी है और परिस्थितियां समझ के आपने उसको जवाब देना है। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि अगर आप परिस्थिति समझ के जवाब देते हैं और आपका दिल मानता है कि यही है, तो वो 100% उसके साथ वही होगा, क्योंकि दिल के अंदर भी इंट्यूशन ने काम किया है और आपके मुंह ने उसको जवाब दिया है। बहुत आसान है। और मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर बता देता हूं कि घटना समय पद्धति में परमात्मा आपकी मदद जरूर करता है। मैं फिर आपको ये बार बार कह रहा हूं कि अगर आप 10 लोग यहां पर इस क्लास में बैठे हैं ना, तो इन 10 लोगों पे परमात्मा का आशीर्वाद है कि ये घटना समय पद्धति करेंगे तो परमात्मा इनका साथ देगा। अदरवाइज 5,000 लोगों तक क्लास की एड डाली गई थी, सबने नहीं ज्वाइन किया, आप 10 लोगों ने चुना है। इसका मतलब परमात्मा चाहता है कि आप 10 लोग घटना समय पत्ती से लोगों की मदद करें, और यही भावना आप अपने अंदर लेंगे
तो डेफिनेटली आप इस चीज को देखिएगा कि घटना समय पत्ती कैसे आप पे काम करती है। समझे मेरे पॉइंट को, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। घड़ी के सुइयों से प्रेडिक्ट करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। एक कि जिनको न्यूमेरोलॉजी नहीं पता वो इस तरह से कैलकुलेशन ले सकते हैं कि उसको रोटेशन में बांट दें, रोटेशन कंप्लीट या रोटेशन शुरू, और जिसको न्यूमेरोलॉजी पता है वो दोनों नंबरों को मूलांक और भाग्यांक से कंपेयर करें और उसको उसका जवाब दे दें। बताइए कोई भी डाउट हो इस चीज का आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। एनी वन ऑफ यू, न्यूमरोलॉजी में हमें पूरी तरीके से नहीं आती है तो उसमें ये होता है कि अभी पता ही नहीं कि ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, तो अभी तो टाइम लगेगा हमें इस चीज के लिए। तो कोई बात नहीं, आप न्यूमरोलॉजी का पार्ट मत लीजिए। मैंने क्या कहा, घटना समय पत्ती देश काल पात्र और परिस्थिति पे काम करती है। जरूरी नहीं कि उसके लिए आपको न्यूमरोलॉजी आती ही हो, ऐसा नहीं है। मैंने दूसरा तरीका भी बताया आपको, आप उस पर काम कर लीजिए और जिस दिन आ जाएगी उस दिन और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और वैसे भी ये घटना समय पत्ती परमात्मा के आशीर्वाद से ही आती है, उसके लिए फिर आपको कोई विद्या आती है या नहीं आती है, जब आपके ऊपर गॉड ग्रेस है तो डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी ऋचा जी, जैसे आपको बॉन्ड की बात कर रहे थे कि पौने पांच हुए या पौने तीन हुए, और किसी भी क्वेश्चन पूछा कि हमारे को ये मैरिज प्रपोजल आई है, तो अगर हम वो कहते कि हमें एक एक रिश्ता आया हमें वो करना चाहिए या नहीं, बॉन्ड के टाइम वो क्वेश्चन आता है तब तो हम कहेंगे कि नहीं, लेकिन अगर वो हमसे ये बात करते हैं कि जी काफी देर से बातचीत चल रही है और वो मिलना चाहते हैं तो आप यस कर दीजिए, क्योंकि वो सिरे चढ़ेगा, वो पेंडिंग काम चल रहा है ना, वो कंप्लीशन की तरफ है। नई नई शुरुआत के लिए आप कभी यस नहीं करेंगे। पेंडिंग कोई भी काम कर रहे हैं तो पॉन में कर सकते हैं, वो पॉन का मतलब ही कि पेंडेंसी हाथी निकल गया, पूंछ अड़ गई है, कंप्लीट करिए उसको, वो कंप्लीशन की तरफ है। कोई और डाउट आप? हाँ मन बोलो। नहीं 52 मत लीजिए, 52 मत लीजिए। अब आप चूंकि न्यूमेरोलॉजी भी पढ़ रही हैं तो मैं आपको बता देता हूं, पांच और सात का कॉम्बिनेशन है ये। पांच नंबर बुद्धि का नंबर होता है और सात नंबर लर्निंग का नंबर होता है। अगर आप प्रॉपर बुद्धि के साथ प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट करके इसमें सीखेंगी तो आप इस चीज में रिसर्च कर सकती हैं, क्योंकि सात नंबर जो है वो केतु का नंबर है और केतु ही रिसर्च कराता है। समझे पॉइंट को? हाँ जी बिल्कुल जाएगा, लेकिन इन्होंने पांच पांच देखा है तो पांच के हिसाब से दे रहे हैं। और अगर मैं 17 के हिसाब से देता हूँ, 17-52 के हिसाब से देखूं तो मेरे पास 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है। 8 और 7 तो वैसे भी रिसर्च कराता है, शनि और केतु का कॉम्बिनेशन बन के। अनुशासन में रह के मेहनत कीजिए, 100% सक्सेसफुल। तो मतलब ये है कि बोलो कि हाँ हो जाएगा, साथ में आपके वाला वो सलूशन मतलब बता देना। एग्जैक्टली। तो थैंक जी। और अगर इसी सवाल को आप दिन की परिस्थिति के हिसाब से ले रहे हैं तो शाम हो रही है, दिन ढल रहा है, तो इन्होंने कोर्स के कंप्लीट होने की बात की है कि क्या वो मैं कर पाऊंगी कंप्लीट, तो शाम ढल रही है, यस आप कर पाएंगे, समय खत्म हो रहा है, दिन कंप्लीट होने वाला, यस ऐसे भी ले सकते हैं। कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा कि शाम हो रही है, मगर
फिर शाम को हमें ज्यादा फोकस भी लगाना पड़ता है, तो इसका मतलब ये भी बोलना पड़ेगा कि फोकस घटा और दुर्घटना घटा, चीजें खराब भी हो सकती है तो फोकस में भी रहना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, ठीक है। तो हम यहां से इस चीज को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हमारे लिए घटना समय पद्धति में कोई अगर घटना आपको नहीं सिखाई दे रही है आपके आसपास, तो आप उसके लिए घड़ी की सुइयों का उपयोग कर सकते हैं, और वो घड़ी की जो सुइयां हैं वो आपको आपके हर सवाल का प्रॉपर जवाब देंगी। सबसे पहले तो आप और 9:25 में आप ये बताइए कि आपका काम आधे तक होने वाला है, हाफ डन होने वाला है। वो हाफ डन हुआ नहीं है ना, 9:30 बजे हाफ डन होगा, तो वो आधा होने वाला है, ऐसे भी ले सकते हैं आप इसको। जी, सर। फर्स्ट पॉइंट। 9:07 का हुआ तो डिजायर थोड़ी ज्यादा है आपकी। हाँ। थोड़ा सा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जब भी दो घड़ी की सुइयां आपस में मिलती हैं, बिल्कुल क्रैश होती हैं घड़ी में, तब भी आपका काम कंप्लीट होता है। मान लीजिए अब चाहे वो 9:45 बजे हो चाहे 3:15 बजे हो, दोनों सुइयां आपस में मिल गई ना। अभी इसमें 3:15 बजे मेरी घड़ी बंद हो गई, मैंने आपको शुरुआत में आपसे ये बात कर दी थी, 3:15 बजे घड़ी बंद हो गई। आप घड़ी की सुइयों को देखिए और दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है मान लीजिए, तो वो काम की कंप्लीशन को इंडिकेट करती है। और वो घड़ी वहां रुक भी गई है, स्टॉप हो गई। ऐसी सिचुएशन में क्या कहोगे? ऐसे सिचुएशन में घड़ी का रुकना अच्छा नहीं माना जाता। देखिए मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ, अगर घड़ी रुक गई है तो कहीं ना कहीं कोई काम अटकने वाला है आपका। रीथिंक कीजिए उस काम के ऊपर, पहले तो घड़ी के सेल बदलिए, उसे चलाइए, और कहीं अगर रुक गई है तो रीथिंक कीजिए और देखिए कहाँ प्रॉब्लम आई है, उस पर काम कीजिए, वो ठीक हो जाएगा काम। घटना समय पर हाँ जी रिचा जी, जब हम वर्क लॉ की बात करते हैं तो हम मिनट और आर एंड को देखते हैं, हमें सेकंड हैंड को भी देखना है नहीं देखना है। मतलब दोबारा बताइए। जैसे तीन घड़ियां होती है ना घड़ी में, है ना, तो फिर अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम जैसे 5:25 बोल रहे हैं, तो वो जो सेकंड की हुई है वो भी तो घूम रही है ना, तो क्या हमने उसको कंसिडर करना है या नहीं करना है? देखिए किसी लंबे काम की बात हो रही है तो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको किसी काम का आंसर अभी चाहिए, क्विक चाहिए, तो आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि वो बहुत फास्ट घूमती है। तो प्रेजेंट सिनेरियो के लिए मुझे अगले 10 मिनट में कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो घड़ी की सुइया बता देगी आपको छोटे वाली। हाँ छोटी सुई को ले लीजिए, देखते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इतना फोकस हम टाइम पे वॉइस लॉक पे करते हैं ना, उतना ही एक्यूरेट आ जाएगा। बिल्कुल। सो अब आप बताइए आपको घड़ी की सुइयों का कंसेप्ट समझ आया? कंसेप्ट बहुत बड़ा है, ये मैंने सिर्फ उतना कराया है आपको जितना कि मुझे लगता है कि घटना समय पद्धति में यूज करना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको न्यूमेरोलॉजी में पढ़ेंगे तो ये 3 से 4 लेक्चर प्रॉपर लेगा घड़ी की सुइयों का कंसेप्ट, और घड़ी की सुइयों से बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शन की जा सकती है। आपको किसी कुंडली को देखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न शास्त्र का एक माध्यम अगर घटना समय पद्धति है ना, तो प्रश्न शास्त्र का दूसरा माध्यम घड़ी भी है, आप घड़ी की सुइयों को भी आधार बनाकर प्रश्न के आंसर्स दे सकते हैं। लेकिन घटना समय पत्ती में प्रश्न अभी तो पहले मैं यंत्र करवाऊंगा, यंत्र वाला कोर्स शुरू करूंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, यंत्र कंप्लीट हो जाएगा मेरा, उसके बाद हो सकता है मैं घटना इसका सॉरी घड़ी की सुइयों का भी इसमें डाल दूं एक कोर्स। तो ये
तो हो सर, इसको राशियों के हिसाब से भी किया जा सकता है ना। हाँ, घड़ी की सुइयों को राशियों से लिया जा सकता है, आपका लगन चार्ट बनाया जा सकता है, प्रश्न कुंडली बनाई जा सकती है, घड़ी की सुइयों से सब किया जा सकता है। तभी कहा ना, घड़ी की सुइयों का तो पूरा कोर्स है। मैंने राशियों के हिसाब से पहले किया हुआ था ना। हाँ, राशियां बनाई जा सकती हैं, मैं लगन भी बनाया जा सकता है, प्रश्न लगन बनाया जा सकता है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है इससे। ठीक है, चलिए, होप आज आपकी आज की क्लास तो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी घटना आपके आसपास होती हुई ना नजर आए तो आप घड़ी की सुइयों का भी हेल्प ले सकते हैं और 100% आपको इसके एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी।